हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन चैनल में। और यहाँ पे जो अभी हमारा टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ में स्थित संग्रहालय, आश्रम, पुरातात्विक स्थल हैं वो सब। इससे पहले हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे जाएं और हमारे लेसन देखें जो स्पेसिफिकली CGPSC प्रीलिम्स के लिए हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और चलिए अब हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन सा संग्रहालय है, कौन सा पुस्तकालय है और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले आपका आता है महंत घासीदास संग्रहालय। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 1875 में ये बना था और ये कहाँ पे स्थित है, रायपुर में। इसके अलावा एक है नृजाति म्यूज़ियम, एंथ्रोपोलॉजियम। इसका मतलब होता है जो आपके अवशेष होते हैं उनका म्यूज़ियम, जगदलपुर बस्तर में है। जिला पुरातात्विक संग्रहालय बिलासपुर में है, 1983 में बना था। जिला पुरातात्विक संग्रहालय एक और है कहाँ पे, जगदलपुर में, लेकिन बिलासपुर वाला पहले बना था। इसके बाद आता है आपका महंत सर्वेश्वर दास सार्वजनिक ग्रंथालय, मतलब लाइब्रेरी, रायपुर में है ये। सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ पे है, राजनांदगांव में, 1909 में बना था, ठीक है। उसके बाद ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है जगदलपुर में ये जो आपका नृजाति म्यूज़ियम है उसका संचालन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो छह नाम है आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके बाद आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ में आश्रम, ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं कई बार। तो अगर आप लोग एक दो बार मेरे इन लेसन्स को देख लेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें और फिर हम एग्ज़ाम में जो है इसे टिक लगा कर आएंगे। सबसे पहले गहिरा गुरु आश्रम कहाँ पे है, जशपुर में। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बाड़नवापारा, महासमुंद में। बाड़नवापारा में ही एक और आश्रम है, तुरतुरिया आश्रम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। विवेक वर्धन आश्रम महासमुंद में है। उसके बाद ये बनाया किसके द्वारा गया था, यति यतनलाल द्वारा। शबरी आश्रम, शबरी आश्रम कहाँ पे है, शिवरी नारायण में। सप्तऋषि आश्रम और श्रृंगी आश्रम, देखिए ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, सिहावा पर्वत में, जो कि है धमतरी में। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों नाम, सप्तऋषि आश्रम और श्रृंगी आश्रम। उसके बाद विवेकानंद आश्रम जो कि नारायणपुर में है। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम कहाँ पे है, रायपुर में है और ये बनाया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम ये कहाँ पे है, रायपुर में है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को एकदम से याद होना चाहिए। तो आप लोग मेरे इस लिस्ट को ज़रूर से पढ़िएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल, डीपाडीह में है आपका बलरामपुर। महेशपुर जो है वो कहाँ पे है, सरगुजा में। पाली नाम का पुरातात्विक स्थल है वो है कोरबा में। खरौद जो है वो कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्या मिलता है वो मैंने इतिहास का एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो हम ज़रूर पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग जगह को दिमाग में रखिएगा। डीपाडीह कहाँ है, बलरामपुर में। महेशपुर जो है सरगुजा में। पाली कहाँ है, कोरबा में। खरौद कहाँ है, जांजगीर चांपा में। मल्हार तालागांव और धनपुर कहाँ है, बिलासपुर। पचराही कहाँ है, कवर्धा में। पल्लारी कहाँ है, बलौदा बाजार में। सिरपुर कहाँ है, महासमुंद में, ये हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था। गढ़द नोरा कोंडा गांव में है, जहाँ पे प्राचीन विष्णु मंदिर है, गढ़द नोरा कोंडा गांव में। मधु द्वीप भी हम लोगों ने पहले देखा था, ये कहाँ पे है, बिलासपुर मुंगेली और बलौदा बाजार के जो है सीमा रेखा पे। और यहाँ पे क्या है, ईसाई धर्म का जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये लिस्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने टोटल तीन चीज़ें देखी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है छत्तीसगढ़ के आश्रम, जो हो सकता है कभी एग्ज़ाम में पूछ ले। बहुत ही इजी है, छोटे छोटे क्लासेस हैं, आप लोग इसको एक बार देखिए, एक बार सुनिए और कहीं पर लिख लीजिए, आप लोगों को रिविज़न करते समय भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।